दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला जिन्ना लोलो ब्रिगेडा का निधन। अभिनेत्री से जर्नलिस्ट बनने का शानदार रहा करियर। 50 से 60 के दशक में यूरोपियन सिनेमा में स्टार्डन का डंका बजाने वाली इटालियन अभिनेत्री जिन्ना लोलो ब्रिगेडा का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। जिन्ना को उनकी एक फिल्म के कारण दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का टाइटल दिया गया है। अभिनेत्री के निधन से पूरा हॉलीवुड शोक में है। सोशल मीडिया पर सेलेब्स और पॉलिटिकल लीडर जिन्ना लोलो ब्रिगेडा को लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिन्ना लोलो ब्रिगेडा ने 16 जनवरी 2023 को अपनी आखिरी सांस ली। अभिनेत्री गुजरे दौर की उन स्टार्स में शामिल हैं जो फिल्मों में सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं। 4 जुलाई 1927 को एक फर्नीचर कारीगर के घर जन्मी जिन्ना ने अपनी टीनएज का ज्यादातर समय युद्ध के बीच बिताया। जिन्ना और उनके परिवार का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था, लेकिन एक्ट्रेस बनने का रुझान उन्हें फिल्मों की तरफ ले आया। जिन्ना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। अभिनेत्री उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने इटली में फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। बेतहाशा दौलत कमाने वाली जिन्ना ब्रिगेडा का एक्टिंग करियर जब लुढ़कने लगा तो उन्होंने हार मानने की बजाय एक नया रास्ते पे चलने का फैसला किया। अभिनेत्री के बाद जिन्ना फोटो जर्नलिस्ट बन गई और इस फील्ड में भी खूब नाम कमाया। उनकी फिल्मों की तरह ही उनकी तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। लोलो निकनेम वाली जिन्ना ब्रिगेडा ने अपने एक्टिंग करियर में ब्लैक ईगल, कम सितंबर, ट्रैपीज, अलार्म बेल्स, बीट द डेविल, बुआना सेरा और मेड अबाउट ओरा जैसी कई फिल्मों में काम किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन्ना ब्रिगेडा की फिल्म कम सितंबर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आके लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें।